बॉलीवुड की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बॉलीवुड आए दिन एक न एक अफेयर के चक्कर में चर्चाओं में रहती हैं बॉलीवुड की अभिनेता और अभिनेत्रियां। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं, कुछ ऐसी लव स्टोरी भी थी जो कि पूरी ही नहीं हो पाई, जिसमें पहला नंबर आता है सलमान और ऐश का। जी हाँ दोस्तों, सलमान और ऐश का रिश्ता, क्या आप जानना चाहते हो उस रात आखिर क्या हुआ था जिसके बाद कभी नहीं मिले ऐश और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं, सफल फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ जैसी कई फिल्मों में अपना अभिनय का जलवा दिखाने के बाद अभिनेता सलमान खान उस समय के सबसे बड़े सुपर डुपर स्टार बन चुके थे। उस समय सलमान खान अभिनेत्री शोमा को लेके काफी सीरियस थे। तो बताया जा रहा है, खबर उस समय भी गर्म थी कि सलमान खान शोमा से शादी करने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, उस वक्त के सुपरस्टार सलमान खान की मुलाकात ऐश्वर्या राय बच्चन से हुई। उस समय की काफी बड़ी स्टार थी ऐश्वर्या राय बच्चन। उसके बाद मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल करने के कारण सलमान का अचानक से दिल आया ऐश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ऐश की तरफ जब सलमान का दिल आया, सलमान ने शोमा को छोड़कर ऐश की तरफ दिल का दरवाजा खोलने का फैसला किया। दोस्तों बताया जाता है कि सलमान खान ऐश को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और ऐश से सच्चा प्यार करने लगे। दोस्तों इस बात से काफी बॉलीवुड और हर तरफ सलमान खान चर्चा में रहने लगे कि ऐश से वो सच्चा प्यार करते हैं, ऐश के सिवा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है। दोस्तों बताया यहाँ तक जाता है, सलमान खान को ऐश भी बहुत पसंद करती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है, सलमान खान ऐश से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और सलमान खान नहीं चाहते थे ऐश छोटे कपड़े पहने। ऐसी कई तो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां करती हैं, जैसे कि बिकनी शूट, ये सब नहीं चाहते थे सलमान खान ऐश करे। लेकिन कई बार ऐश को इस बात से गुस्सा आ जाता था। लेकिन दोस्तों फिलहाल अब ऐसा समय आ गया था जब सलमान और अभिषेक एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, ये बात सलमान खान को तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन के माता पिता को बहुत अच्छी नहीं लगती थी। रात रात मिलना ऐश के साथ, रहना, काम करना, हर तरह की बातें करना ऐश के साथ, ये सब सलमान के पिता को भी नहीं अच्छा लगता था। उन्होंने कई बार ऐसी बातें सलमान को मना किया। लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन के माता पिता भी इस बात से काफी सीरियस थे। उन्होंने भी कई बार अपने बेटी ऐश से और उसके बाद सलमान खान से इस बात की चेतावनी दी और उन्हें मना किया। लेकिन फिलहाल सलमान खान नहीं माने। उसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है, काफी बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। सलमान खान और ऐश बहुत ज्यादा एक दूसरे के सच्चे प्यार में रहते थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों अचानक से ऐसा हुआ, ऐश्वर्या राय कुछ दिन सलमान खान से ना मिले, ना ही उनके पेजर का जवाब दिया, ना ही किसी प्रकार से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया सलमान और ऐश का। दोस्तों बताया जाता है कि उस रात जब सलमान खान ऐश के घर आए, पहले तो उन्होंने सलमान ने ऐश के कमरे का दरवाजा खोल पीटा, लेकिन किसी कारण बस ऐश ने दरवाजा नहीं खोला। और दोस्तों बताया जाता है कि रात भर सलमान खान दरवाजा पीटते रह गए, अपने हाथ को बिल्डिंग्स पर मारते रह गए। उसके बाद सलमान खान ने धमकी भी दी, तुम ऐश नहीं आओगी तो मैं 19 माले से नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं हो पाया। सलमान खान सवेरे 6 बजे तक वहीं पर खड़े थे। आखिरकार जब सवेरे 6 बजे दरवाजा खुला, ऐश ने सलमान खान को अपने सामने देखा। फिलहाल वो वक्त आखिरी मिलन का था। उसके बाद कई बार सलमान के खिलाफ ऐश के माता पिता ने FIR भी दर्ज कराई। उसके बाद दोस्तों बताया जाता है, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद कभी नहीं एक दूसरे से मिले। न जाने कौन सी बात के कारण ऐश अपने सच्चे प्यार को कुर्बान कर बैठी और सलमान खान भी इस बात से अपने आप को संभाल नहीं पाए। फिलहाल दोस्तों बताया जाता है, सलमान खान इसी कारण शादी नहीं करते हैं। धन्यवाद।